हे गाइस नमस्कार, आप लोगों का टॉप 10 क्लासेस के प्यारे से यूट्यूब फैमिली पर स्वागत है। गाइस आज की लेक्चर में हम लोग बात करने वाले कक्षा 10 की गणित की प्रश्नावली 8.2 का स्टार्ट करने वाले प्यारे बच्चों। जैसा कि इससे पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने प्रश्नावली 8.1 को पूर्ण रूप से समाप्त कर लिया था, जो की दो पार्ट में करके आइए प्यारे बच्चों। अब आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा तो वो वीडियो जाके तुरंत देखिएगा प्यारे बच्चों, फिर उसके बाद इस क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं आज। यदि आप चैनल पे नया आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा प्यारे बच्चों। चलिए लेक्चर को स्टार्ट कर लेते हैं। आपके स्क्रीन पे सबसे पहला सवाल 8.2 का दिखाई पड़ रहा है। प्यारे बच्चों सवाल लगाने से पहले एक बार मैं आपको ये सलाह जरूर देना चाहूंगा कि आप आज sin 30, cos 30, sin 90, 60 इन सबकी जो वैल्यू है वो आप जरूर याद करके रखिएगा प्यारे बच्चों, ठीक। और अन्यथा आपको ये सब जो टेबल है त्रिकोणमितीय अनुपातों का जो टेबल है शॉर्ट ट्रिक यानी याद कैसे किया जाए वो प्यारे बच्चों हमारे ही इस अपने ही चैनल पर जो है सचिन सर के द्वारा बताया गया है, आप वहां से देख सकते हैं। नहीं तो आपको यहाँ आई लिंक पे दिखाई पड़ रहा, वहां से आप उसे ओपन करके जाके देख सकते हैं प्यारे बच्चों। और साथ में आपकी मदद करने के लिए यहाँ पर एक हम लोगों ने त्रिकोणमिति का जो अनुपात की जो वैल्यू है वो चार्ट ही आपको पूरे स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा है यहाँ से यहाँ, ठीक, जिसके मदद से आप हर एक वैल्यू रख सकते हैं देखकर, ठीक। चलिए अब शुरुआत करते हैं हम 8.2 का पहले सवाल का। आखिर पहला सवाल क्या कर रहा है, बहुत इंतजार करने के बाद प्यारे बच्चों पहला सवाल आया है आपका आज। देखिए क्या कहता है, ये वैल्यू दिया गया है प्यारे बच्चों, फर्स्ट नंबर ये है आपका। अब इन सब का मान आपको ज्ञात करना, दो सवाल नहीं दिए गए आपके पास, तीन चार करके सवाल है। अब आइए हम सबकी वैल्यू निकालते हैं प्यारे बच्चों। आप इनको फार्मूले की भी मदद से लगा सकते हैं और आप डायरेक्ट वैल्यू भी रख के हल कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप साइन 60 की वैल्यू यहां रखेंगे, फिर कॉस 30 की वैल्यू रखेंगे, फिर साइन 30 की वैल्यू रखेंगे, फिर कॉस 60 की वैल्यू रखेंगे। आपको टेबल पे वहां देख सकते होंगे, टेबल से दिखाई पड़ रहा होगा कि साइन 60 अंश की जो वैल्यू है वो कड़ी में 3/2 है, कड़ी में कितना है 3/2 है। क्या है प्यारे बच्चों, साइन 60 अंश का जो वैल्यू है ना वो कड़ी में 3/2 कड़ी में 3/2 गुणे कॉस 30 अंश। तो कॉस 30 अंश का भी मान आपको बता दिया प्यारे बच्चों, अंडर रूट 3/2 होता है, और प्लस साइन 30 अंश का मान होता है 1/2 और कॉस 60 अंश का भी मान होता है 1/2, ठीक। अब अंडर रूट 3 का गुणा 3 से करेंगे तो 3 हो जाता है, 2 का गुणा 2 से करते हैं तो 4 हो जाता है प्यारे बच्चों, 1 का गुणा 1 से करेंगे तो 1 आ जाएगा, 2 का गुणा 2 से कर देंगे 4, हर बराबर है अंश जुड़ जाएगा 3 × 1 = 4, 4/4 कर देंगे तो 1 आ जाएगा, यानी इसका जो टोटल आंसर आया है इसकी जो वैल्यू आई है वो कितनी आई 1। तो आप लिखना चाहेंगे तो ये लिख सकते हैं साइन 60 इंटू कॉस 30 और प्लस साइन 30 और इंटू कॉस 60 की जो वैल्यू है प्यारे बच्चों वो 1 के बराबर है, ठीक। अब हम बात करते हैं सेकंड नंबर की। तो टेन 45 है की वैल्यू 1 होती है, यहां स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, प्लस कॉस 30, कॉस 30 अंश की वैल्यू आपने भी देखा अंडर रूट 3/2 होता है, इसका वर्क करेंगे, क्यों करेंगे क्योंकि स्क्वायर है, माइनस साइन 60 की भी वैल्यू अंडर रूट 3/2 होता है, तो आप अंडर रूट 3/2 का वर्क करेंगे प्यारे बच्चों। आप देखिए सेम टू सेम दोनों अंक है तो ये दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे, 2 × 1 कितना हो जाएगा 2, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी, ठीक। ये सेकंड नंबर है। अब हम बात करेंगे तो गाइस हम बात करते हैं थर्ड नंबर प्रश्न की, जो कि यहां पर लिखा गया है cos 45 / sec 30 + cos 31, केवल सबकी वैल्यू रखना है प्यारे बच्चों। अब cos 45 की जो वैल्यू होती है वो 1/√2 होता है और पूरे के बटे sec 30 का मान कितना होता है अब आपको याद ही नहीं है प्यारे बच्चों, अगर न याद रहे तो cos का तो याद है, cos 30 अंश का मान होता है अंडर रूट 3/2, यही होता है ना cos 30 अंश का मान अंडर रूट 3/2, आपने यहां देखा या देखिए। अब भैया sec की बात आई तो cos का उल्टा sec होता है, मतलब 2 ऊपर पहुंच जाएगा कड़ी 3 नीचे आ जाएगा, sec 30 अंश की वैल्यू है 2/3, ठीक। अब प्लस cosec 30
तो साइन 30 का उल्टा हो जाएगा कोसेक 30, यानी 1/2 है तो इसका उल्टा हो जाएगा 2/1। ठीक, समझ में आपको कहीं भटकना ही नहीं है। अब देखो, अब इसको अमल करते हैं। तो यहां इस बार तो हर बराबर है नहीं, तो आप अंश को जोड़ मत लीजिएगा कि अंश बराबर दिख रहे हैं तो हम लोग जोड़ लेंगे, ऐसा नहीं करना है। अब देखिए आगे स्टेप करते हैं, इसे लिखेंगे 1/√2 लिखे रहेंगे। पूरे चीज का इनका इनका लसा लेते हैं, तो लसा लेंगे तो √3 आएगा। ठीक, √3 से ये कैंसिल हो जाएगा तो 1 बार जाएगा, यानी 2 का गुणा 1 से करेंगे 2 आएगा प्लस। ठीक, अब इससे भाग देंगे, इससे आप भाग देंगे तो √3 बार जाएगा, और 2 का गुणा √3 से करोगे तो 2√3 आएगा, नहीं आएगा। अब क्या होने वाला है बच्चों, ध्यान से देखिएगा, ये आपका यहां पर आता है और ये आपका यहां पर जाता है एकदम ऊपर, तो ऊपर जाएगा तो √3 एक से गुणा करोगे तो √3 आएगा पूरे के बटे। अब देखिए √2 का गुणा आप यहां करेंगे, √2 का गुणा यहां करेंगे तो 2√2 आ जाएगा प्लस। अब जब आप यहां करेंगे तो 2 + 3 = 6, तो 2√ क्या आ जाएगा 6। अब इसी का परमेयीकरण करना है, इसी का क्या करना, परमेयीकरण। तो भैया परमेयीकरण करते समय यदि बीच में प्लस आया रहता तो माइनस हो जाता, और माइनस आया रहता तो प्लस हो जाता है बच्चों। तो अब ये देखिए गुणे हो जाएगा, ये गुणा करेंगे तो 2√2 - 2√6, और वही चीज यहां पे हो जाएगा 2√2 - 2√6। ठीक, अब देखिए गुणा कीजिए, अब केवल आपको गुणा करना है बच्चों। अब 3 का गुणा यहां करेंगे तो 3 × 6 2√6 आ जाएगा, फिर 3 का गुणा यहां करेंगे आप तो 3 × 6 = 18 −2√ क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। अब नीचे की बात करते हैं, a प्लस बी ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a के स्थान पे कितना है प्यारे बच्चों, 2√2 का वर्ग है, और b के स्थान पे है 2√6 का वर्ग। ठीक, अब यहां से देखिए ये दोनों में क्या है कॉमन है, तो √6 - √18 बचिए नीचे। अब आ देखिए 2 का वर्ग करेंगे तो 4, इनका वर्ग करेंगे तो 2 आ जाएगा, और इनका वर्ग करेंगे तो 4, इनका वर्ग करेंगे तो 6 आ जाएगा। ठीक, अब देखिएगा यहां से 4, ये अगला स्टेप यहां हल कर देते हैं तो आ जाएगा 2√6 - √18। ठीक, अब पूरे के बटे 4 × 8 4 × 6 = 24, तो 24 में से 8 घटा देंगे तो 16 आएगा प्यारे बच्चों, 2 × 1 = 2 2 × 8 = 16, तो आंसर आ जाएगा आपका √6 - √18 बटे कितना आ जाएगा -8। ये आपका आंसर आया, एक बार जरूर मैच कराइएगा एनसीईआरटी के बुक से। ठीक, बिल्कुल आपका आंसर आया है। आप इसे, ये जो √18 है इसे आप क्या लिख सकते हैं आराम से, इसे आप 3√2 लिखा जा सकता है, तो 3√2 लिख सकते हैं इसे। तो हम कैसे लिख देंगे, √6 लिख देंगे, यहां पर क्या है -3√2 बटे कितना हो जाएगा 3 × 9 = 9 × 2 = 18। ठीक, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, साथ में क्या लगा रहेगा माइनस लगा रहेगा। ठीक प्यारे बच्चों, इस प्रकार आपका जो है सवाल हो जाता है। ये आपका थर्ड नंबर रहा, ये आपका फर्स्ट, ये आपका सेकंड नंबर, कुछ भी नहीं करना था, केवल आप यहां वैल्यू रखे, एक बार इन दोनों का लसा पहले लेकर भिन्न के जोड़ के जैसा हल कर लिए, तो ये जो एकदम नीचे रहता है वो एकदम ऊपर जाता है, और ये वाला यहां पर आ जाता है। तो आपने गुणा किया तो आपको ये मिला, √3 का गुणा 1 से किया √3 मिला, √3 का गुणा 2 से किए तो क्या मिल गया आपका, देखिए यहाँ √2 का गुणा 2 से किए 2√2, √2 का गुणा इससे किए तो 3 × 6। ध्यान एक बात का देना है कि √2 का गुणा केवल √ में जो रहेगा वो √ से ही गुणा कर पाएंगे, अन्यथा केवल वैसे उसी के साथ लिखा जाता है, इस बात को ध्यान देना। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर हम आगे की सवाल को कंटिन्यू करते हैं। आपका फर्स्ट का चौथा नंबर प्रश्न है, वो इस समय आपको यहां पर दिखाई पड़ रहा है, ये देखिए क्या करा, sin 30 + tan 45 - cosec 60 / sec 30 + cos 60 + cot 45, सबकी वैल्यू रखकर हल करना है प्यारे बच्चों, जरा सा भी हड़बड़ाना ही नहीं, पूरा मक्खन वाला सवाल है। देखिए पहले तो आप साइन 30 की वैल्यू रखेंगे तो 1/2 आएगा, प्लस टेन 45 का मान 1 होता है प्यारे बच्चों,
और जो कॉसेक 60 होता है वो साइन 60 का उल्टा होता है। अब साइन 60 अंश का मान होता है अंडर रूट 3/2 और उसका हो जाएगा 2/√3। यहां तक तो नहीं दिक्कत होनी चाहिए किसी को। अब सेक 30, सेक 30 जो होता है वो कॉस 30 का उल्टा होता है। तो कॉस 30 का उल्टा यानी कॉस 30 की वैल्यू आपको पता होना चाहिए 2/√3, √3/2 होता है, इसका हो जाएगा 2/√3 आ जाएगा, ठीक। और प्लस कॉस 60, कॉस 60 अंश की वैल्यू 1/2 है, और प्लस कॉट 45, तो 45 की वैल्यू कितनी है, 1 है, ठीक। अब क्या करना है, अब केवल स्टेप बाय स्टेप हल करो, वैल्यू तो आपने रख लिया ना सब। अब देखिए दो इन तीनों का लसा लेते हैं, तो लसा लेंगे तो 2 कड़ी में 3 आएगा, इनका इनका इनका, ठीक। अब देखो 2 से ये 2 कैंसिल होगा, अंडर रूट 3 का गुणा 1 से होगा, अंडर रूट 3 आ जाएगा, ठीक। यहां समझिए जरा सा, प्लस 1 से भाग देंगे तो पूरा के पूरा 2√3 आएगा, 2√3 का गुणा 1 में कर देंगे तो 2√3 ही आएगा, ठीक, आराम से। अब √3 से √3 कैंसिल होगा, परंतु 2 बचेगा 2 × 2 = 4, ये -4 आ जाएगा, किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब ध्यान से देखिए, इनका और इनका लसा, पहले इनका ले, इनका भी लसा पाएगा 2√3, 2√3, ठीक। अब ध्यान दो, √3 से √3 कैंसिल होगा, 2 बचेगा 2 × 4, फिर 2 से भाग देंगे तो 2 कट जाएगा, परंतु √3 बचेगा, √3 का गुणा 1 से हो जाएगा, √3 बचेगा, ध्यान से देखिएगा। अब 1 से भाग देंगे तो 2√3 पूरा जाएगा, तो 2√3 का गुणा 1 से कर देंगे, 2√3 आ जाएगा। अब आगे देखिए, अब देखिए ये 2√3 है और ये 1√3 है, तो दोनों जुड़ जाएंगे, 2 × 1 = 3 हो जाएंगे। अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, 3 कड़ी में 3 और माइनस कितना है, 4 है, ठीक, बटे कितना है, 2 कड़ी में 3 पूरे के बटे। यहां देखिए 2 यहां है 1 यहां है, तो 2 × 1 = 3, 3 कड़ी में 3 और प्लस क्या हो गया, 4 पूरे के बटे 2 कड़ी में 3, ये पैर बच्चों कैंसिल हो जाएगा, ठीक। अब आपके सामने क्या बचा, आ जाइए इस स्टेप, 1, 2, 3 स्टेप के बाद यहां अगला स्टेप, अगला स्टेप में क्या बचा है, 3√3 माइनस 4 बचा है और 3√3 प्लस 4 बचा है। परमेयीकरण करेंगे तो जहां अब जब आप परमेयीकरण करेंगे तो ये जो चीज प्लस है केवल प्लस का उल्टा कर देंगे माइनस, उसी से गुणा कर देंगे और उसी से क्या कर देंगे, भाग। तो ये माइनस 4 से गुणा और ये माइनस करके क्या कर देंगे, भाग दे देंगे, ठीक, यहाँ अंडर रूट 3 है। अब क्या करना है देखिए जरा सा, अब आप स्टेप बाय स्टेप गुणा कीजिए, बस इनका गुणा इनसे करेंगे तो 3 × 3 = 9 और इनसे इनसे गुणा हो जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक। तो देखिए आइए आराम से हल कीजिएगा प्यारे बच्चों, आप इनका गुणा इनसे कर रहे हैं तो 3 × 3 = 9, इनसे इनसे गुणा करेंगे तो 3 आ जाएगा, किसी भी अंडर रूट का अंडर रूट से गुणा करते हैं केवल अंडर रूट हट जाता है, वो संख्या लिख दी जाती है, ठीक। अब इसी का गुणा सेम टू सेम इनसे करेंगे तो 4 × 3 = 12, 12 कड़ी में 3 आ जाएगा, ठीक। अब फिर इन्हीं का गुणा इनसे करेंगे, इनसे वाला इनसे, तो माइनस आ जाएगा, −12 कड़ी में 3 आ जाएगा। फिर इनका गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 × 4 = 16 हो जाएगा, ठीक। अब पूरे के बटे a + b a - b बराबर होता है a² - b² तो 3 कड़ी में 3 का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर। चलिए अब अगले स्टेप में 9 + 3 क्या हो जाएगा, 27, 12 जुड़ के हो जाएंगे 24, 24 कड़ी में 3 वो हो जाएगा 16, ठीक, +16 बटे इसका ओवर करेंगे तो 3 × 9, 9 × 3 = 27 आएगा, उसका ओवर करेंगे 16, ठीक, 27 और 16 जोड़ देंगे तो 43 आएगा, माइनस कितना आ जाएगा, 24 कड़ी में 3 और 27 में से 16 घटा देंगे पहले तो 11 आ जाएगा, ठीक। शायद आपका यही आंसर आया भी है एनसीईआरटी में, एक बार अपने बुक से आप जरूर मैच करा लीजिएगा। देखिए कितना सरल सवाल था पहले, केवल आपको जरा सा भी मेहनत नहीं करना, आराम आराम से लगाना, बस हड़बड़ाना नहीं है, देखकर एक बार आंसर आप जरूर मिला लीजिएगा, क्या आपके आंसर मैच कर रहे हैं। जी बिल्कुल आपके आंसर मैच कर रहे हैं प्यारे बच्चों,
अब हम आगे की सवाल को कंटिन्यू करने वाले हैं, तब तक आप इसका चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो बात करते हैं आपको जो पांचवां सवाल स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा है। सबसे पहले तो सबकी वैल्यू रखते हैं और ध्यान देना वैल्यू रखते समय गलती ना हो। बस पांच बुढ़े कॉस साठ, तो कॉस साठ अंश की जो वैल्यू होती है प्यारे बच्चों वो 1/2 होता है। प्लस चार सेक तीस, सेक तीस की जो वैल्यू होती है वो 2/√3 होता है। 2/√3 का वर्क कर देंगे, माइनस 10/45 अंश का मान 1 होता है। वर्क कीजिए या ना कीजिए कोई दिक्कत नहीं, इन दोनों की वैल्यू डायरेक्ट 1 आप रख सकते हैं क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। परंतु हम लोग नहीं जान रहे अभी तक, तो यहाँ वैल्यू रखेंगे। तो साइन 30 अंश की जो वैल्यू होती है वो 1/2 होता है और कॉस 30 अंश की जो वैल्यू होती है वो 3/√2 होता है। इनका होल स्क्वायर करेंगे। आइए अगले स्टेप में। अब यहां जब 1/2 का वर्क करेंगे तो 1/4 हो जाएगा, 5 का गुणा कर देंगे तो भाई 5/ कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। प्लस यहां 2 का वर्क करेंगे 4, 3 का वर्क √3 का वर्क करेंगे 3, तो 4 × 16/3 आ जाएगा यहां और −1/1 आ जाएगा। ठीक पूरे 1/2 यहां देखिए 1/2 का वर्क करेंगे तो 1/4 आएगा, यहां करेंगे तो 3/4 आएगा, कितना आ जाएगा 3/4। ठीक ध्यान दीजिएगा। अब यही स्टेप आपको यहां पर हल कर रहे हैं। 4 × 3 का लसा लेते हैं तो 12 आएगा प्यारे बच्चों, 4 × 3 = 12, 5 × 3 = 15 हो जाएगा। प्लस 3 × 12 = 16 × 64 और 1/12 यहां 12 हो जाएगा, −12 और ये 3 × 1 = 4, 4/4 आ जाएगा। ये तो कट के 1 आ जाएगा, इसकी कहानी खत्म हो गई। अब जोड़ दीजिए, 15 में से 12 घटा देंगे 3 और 64 और 3 जोड़ देंगे तो 67/12। आप एक बार एनसीईआरटी से आंसर जरूर मैच कराइएगा प्यारे बच्चों, क्या आपके यही आंसर आ रहे हैं। फिर हम बात करेंगे आगे के क्वेश्चन की। चलिए आंसर आपके मैच कर रहे हैं। अब आगे जो आप बहुविकल्पी है और ध्यान देना प्यारे बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये जितनी बहुविकल्पी दिया गया यहां त्रिकोणमिति के रिलेटेड से इंपॉर्टेंट है, यहां से आपका 1 नंबर या 2 नंबर एग्जाम में आना ही आना है प्यारे बच्चों। 100% गारंटी के साथ बोल रहा हूं, 100% गारंटी के साथ बोल रहा हूं भैया, यहां से सवाल आना ही आना है। अब जो आप बहुविकल्पी पढ़ने जा रहे हो, चलिए तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, तो हम आप वही क्वेश्चन की चर्चा करने वाले हैं। हे गाइस देखिएगा, जो प्रश्न नंबर 2 है वो कह रहा है सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए, मतलब कारण दीजिए। तो देखिए पहला क्या कह रहा, आप चाहो तो फार्मूले से लगा लीजिए, चाहो तो आप इसे जो है वैल्यू रख के हल कीजिए। तो प्यारे बच्चों आप वैल्यू ही रख के हल कीजिए क्योंकि आपको फार्मूले नहीं पता है सारे। तो ध्यान देखिए ये 2 है ठीक, 10 30 अंश का मान होता है बच्चों 1/3, तो 1/3 हो गया। ठीक ध्यान दीजिए पूरे 1 प्लस यहां आ जाएगा 1/√3 का वर्ग। आई अभी से खोल करते हैं, तो ऊपर बचेगा 2/3 पूरे 1/2, यहां करेंगे तो 1 + 1/3 आ जाएगा, 3 का गुणा 1 में हो जाएगा, 3 × 1 = 3, 3 × 1 = 4, 4/3 आ जाएगा प्यारे बच्चों। तो नेक्स्ट स्टेप में आएगा 2/3, यहां आ जाएगा 3 × 1 = 3, 3 × 1 = 4, 4/3। ठीक अब ये 3 ऊपर जाएगा, ये 4 यहां आ जाएगा प्यारे बच्चों। तो नेक्स्ट स्टेप में आपका क्या मिल जाएगा, 2 × 3 और यहां आ जाएगा 4 × √3। तो प्यारे बच्चों अब आपको एक बात ध्यान देना है, क्या होता है कि इस 3 को आप इस 3 को ऐसे लिख सकते हैं √3 × √3, क्योंकि √3 का गुणा √3 से करेंगे 3 ही आता है, ये 4 √3।
ये इनसे कैंसिल हो जाएगा, दो दूनी चार, तो अंडर रूट तीन बटे दो। अब आपको ध्यान देना है कि ऑप्शन आपके अनुपात में दिए गए त्रिकोणमिति के अनुपात में, तो पता कीजिए कि अंडर रूट तीन बटे दो किसका मान होता है। तो प्यारे बच्चों, जो अंडर रूट तीन बटे दो होता है वो साइन साठ अंश की वैल्यू होती है, तो हम जानते हैं ये जो वैल्यू है वो किसकी है, साइन साठ। तो आपका जो ऑप्शन नंबर है वो ऑप्शन नंबर एक करेक्ट है, साइन साठ। ठीक, अब हम बात करेंगे सेकेंड नंबर की। यहां पर वन माइनस टेन पैतालीस, तो प्यारे बच्चों हम बात करें टेन पैतालीस अंश की जो वैल्यू होती है वो एक होती है, और यहां पर भी वही हो जाएगा एक प्लस एक, ऊपर घटाएंगे तो जीरो बटे दो, मतलब मिला जुला जीरो। ऑप्शन नंबर आपका डी सही है। ठीक, कोई दिक्कत किसी को प्यारे बच्चों, नहीं होना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं थर्ड नंबर का। थर्ड नंबर क्या कह रहा है, थर्ड नंबर आपसे कह रहा है आपके ऑप्शन नंबर, ये बहुत ही ज्यादा ही क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है। साइन टू ए बराबर टू साइन ए तब सत्य होगा, तब सत्य होगा जब, आगे कंडीशन दे रहा है, तब सत्य होगा जब जब ए बराबर, जबकि ए बराबर हो, यानी ए क्या हो, ए क्या मान क्या रख दे कि ये दोनों पक्ष बराबर हो जाए, यही पूछ रहा है। तो प्यारे बच्चों यहां ऑप्शन दिया है जीरो अंश, ऑप्शन नंबर बी दिया है तीस अंश, ऑप्शन नंबर सी दिया है पैतालीस अंश, ऑप्शन नंबर जो डी है वो कितना है साठ अंश। अब आपको बताया अच्छा वाला जुगाड़, यही चार ऑप्शन रख के देख लीजिए कि कौन किसके बराबर होता है प्यारे बच्चों, तो आपको आराम से पता चल जाएगा। या तो आप साइन टू ए का फार्मूला जानते होंगे, वही रख दीजिए, तो आप चाहे जैसे रखिए प्यारे बच्चों। दो मेथड है, आप वैल्यू रख के देख सकते हैं और वैसे भी हल कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि अगर हम जीरो रख दें ए के स्थान पे तो साइन जीरो हो जाएगा, साइन जीरो अंश का मान एक होता है प्यारे बच्चों, नहीं साइन जीरो अंश का मान जीरो होता है। ठीक, और टू साइन ए, टू साइन ए अगर यहां ए के स्थान पे जीरो रखोगे तो वहां साइन जीरो हो जाएगा, साइन जीरो जीरो हो जाएगा, फुल 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 की पद जीरो हो जाएंगे, अर्थात आपका आंसर आने वाला है जीरो। अगर आपके मन में सोच रहे होंगे तीस रख दे, तो भैया तीस रखोगे दो तीस दूनी साठ हो जाएगा, और यहां साइन साठ हो जाएगा, वहां साइन तीस, कभी भी नहीं आने वाला कह रहे हो। अब 45 रखोगे तो भी नहीं आएगा, 60 रखोगे तो भी, दोनों वैल्यू बराबर नहीं होंगे। आप चाहो तो केवल जीरो रख के देखिए, तो ए बराबर जीरो लेने पर अगर दोनों पक्ष बराबर हैं तो ठीक, देखिए ए बराबर जीरो लीजिए तो साइन टू ए के स्थान पे जीरो बराबर टू साइन ए के स्थान पे जीरो। अब इसका दो का गुणा कर दीजिए तो भाई साइन जीरो अंश होगा, और इधर टू साइन जीरो अंश का मान क्या होता है पहले जीरो होता है, ये साइन जीरो जीरो वो भी जीरो, तो दोनों पक्ष क्या है बराबर है, अर्थात ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपका बिल्कुल सत्य है प्यारे बच्चों। ये तो फर्स्ट मेथड हो गया। अब सेकंड मेथड कैसे होगा वो देखिए। अब हम जानते हैं ये जो साइन टू ए होता है ना, वो फार्मूला होता है टू साइन ए इंटू कॉस ए, साइन टू ए का फार्मूला होता है, और ये आपका क्या है टू साइन ए आपका इधर दिया गया, इतना पक्ष तो कैंसिल हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये कॉस ए बचा, इधर एक बचा। अब बताओ कॉस में एक किसकी वैल्यू होती है, कॉस में एक किसकी वैल्यू होती है, कॉस में जो एक होती है वो किसकी वैल्यू होती है, जीरो की या नब्बे की या तीस की या साठ, बताइए। अब आप जानते हैं किसकी वैल्यू होती है, कॉस कॉस जीरो अंश की वैल्यू होती है, किसकी होती है जीरो की, तो कॉस ए बराबर क्या हो जाएगा कॉस जीरो, कॉस से कॉस कैंसिल, ए बराबर क्या आ गया जीरो, तो कितनी आ गई जीरो। तो देखिए ये आपका दूसरी विधि थी, ये आपकी पहली विधि थी, जो विधि आपको अच्छा लगे वो विधि लगाओ आप, हर एक सवाल फार्मूले पे लग जाते ठीक, क्योंकि आपको फार्मूले नहीं तैयार है, इसलिए प्यारे बच्चों मैंने फार्मूले पे नहीं बताया ठीक। आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर जो बचे हुए सवाल है हम उनको हल कर लेते हैं। तो गाइस बात करते हैं दूसरे नंबर के चौथे प्रश्न का, टू टेन तीस, तो वही फार्मूला रख लेते हैं प्यारे बच्चों, वही सबकी वैल्यू रखते हैं। टेन तीस अंश की वैल्यू होती है एक बटे कड़ी में तीन, और फिर इनकी वैल्यू होती है एक बटे क्या हो जाता है अंडर रूट तीन का
वर्ग कर दीजिए। चलिए तीन का गुणा कर देंगे भैया, दो बटे कड़ी में तीन आ जाएगा, पूरे एक बटे अंडर रूट इसका वर्ग करेंगे तो एक बटे तीन आ जाएगा, तीन एक के तीन, तीन में से घटा देंगे दो बटे तीन आ जाएगा, दो बटे कड़ी में तीन और दो बटे क्या आ गया तीन। ठीक, अब ये ऊपर जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, तो दो गुणे क्या हो जाएगा तीन, और यहां आ जाएगा अंडर रूट तीन गुणे दो। ठीक, दो से दो कैंसिल हो जाएगा। अब इसे आप तीन को ऊपर वाले जो तीन है प्यारे बच्चे, इसे आप कड़ी में तीन ऐसे यहाँ स्टेप में इधर लिख देते हैं, क्या लिख देंगे यहां से देखिए, इस तीन को आप कड़ी तीन गुणे कड़ी तीन लिख सकते हैं, ये कर जाएगा तो केवल बचेगा अंडर रूट तीन, और ये अंडर रूट तीन किसका मान होता है, साइन तीस का तो होगा नहीं, साइन साठ का नहीं होगा ना, तो कॉस साठ का होगा, किसका होगा प्यारे बच्चों, टेन साठ का होगा। तो जो आपका आंसर है वो आंसर नंबर कौन है, सी सही है। ठीक, तो इसकी जो वैल्यू है वो अंडर रूट तीन आएगी, जिसे आप टेन साठ लिख सकते हैं। ठीक, ये रहा आपका चौथा नंबर क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं तीसरा नंबर प्यारे बच्चों, ये जो सवाल है ये और ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब ध्यान दो क्या दिया है, tan a प्लस बी बराबर कर्णी में तीन दिया है। अब tan a प्लस बी, अब कर्णी तीन किसका मान होता है, कर्णी में तीन किसका मान होता है, tan 60 की, अभी आपने देखा tan 60, तो कर्णी तीन को tan 60 लिख दिया, tan से tan क्या हो जाए कैंसिल, तो a प्लस बी बराबर क्या आ गया 60, समीकरण नंबर एक। अब दूसरा पकड़ लेते हैं प्यारे बच्चों, tan a माइनस बी बराबर कितना, एक बटे कर्णी में तीन। ये tan a माइनस बी, इसको हम रख सकते हैं tan तीस अंश। ठीक, tan तीस अंश का मान एक बटे कर्णी में तीन होता है, ये tan से tan कैंसिल, a माइनस बी बराबर कितना हो गया, समीकरण नंबर क्या हो गया दो। अब समीकरण एक और दो को हल करके हम a और b का मान निकाल लेंगे, वही तो कह रहा था। तो समीकरण एक प्लस दो से, तो देखिए समीकरण एक क्या है आपका, यही है a प्लस बी बराबर 60, समीकरण दो क्या है a माइनस बी बराबर 30। जोड़ते समय प्यारे बच्चों चिन्ह नहीं बदलता है, ध्यान देना है, ये सब प्लस ही रहेंगे। अब देखिए ये जोड़ते समय घट जाएगा, a a जोड़ के क्या आ जाएगा 2a, और 60 और 30 जोड़ देंगे 90, कटा देंगे तो 45, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 45, a की वैल्यू क्या आ गई 45। अब a की वैल्यू 45 आ गई, चाहे समीकरण एक से निकाल लीजिए चाहे समीकरण दो से, तो समीकरण एक से a प्लस बी बराबर कितना था 60, तो a की वैल्यू 45 है, b की वैल्यू नहीं पता, 45 को उठा के उधर कर देंगे तो 60 माइनस 45 हो जाएगा, b बराबर कितना आ जाएगा 15, तो b की वैल्यू कितनी आ गई पहले बच्चों 15। इस प्रकार आपका तीसरा सवाल कंप्लीट होता है, आप उसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब इस जो है चौथे नंबर का जो फर्स्ट नंबर है वो देखते हैं, ये कह रहे हैं भैया साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए और प्लस साइन बी, यही होता है, क्या ये कथन सत्य है या असत्य है, फर्स्ट नंबर में ये बताना है। सेकेंड नंबर में, सेकेंड नंबर अभी बाद में चर्चा करेंगे पहले इसका। अब देखिए बच्चों, हम अगर यहां पर कोई भी वैल्यू रख लें, a बराबर अगर 30 मान लें और b बराबर भी 30 मान लें, तो आइए वैल्यू रख के देख लेते हैं क्या ऐसा होता है, क्या दोनों पक्ष बराबर होते हैं। तो अगर हम साइन रखते हैं, a के स्थान पे 30 रख दिए और b के स्थान पे भी 30 रख दिए, और यहाँ रख दिए साइन 30 और प्लस यहाँ साइन 30 दोनों की वैल्यू। अब प्यारे बच्चों ध्यान देना, 30 60 हो जाते हैं, तो साइन 60 की वैल्यू, और उधर साइन 30 अंश की वैल्यू होती है एक बटे दो, और इसकी भी वैल्यू एक बटे दो होता, साइन साठ अंश की वैल्यू अंडर रूट तीन बटे दो होते। अब ये जोड़ दीजिए तो दो बटे दो आ जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, क्या दोनों बराबर हैं, अंडर रूट तीन बटे दो नॉट इक्वल टू एक है, अर्थात यह लिख सकते हैं कि जो ये कथन है यह कथन असत्य है, यह कथन क्या है असत्य है। ठीक, ये है आपका, ठीक है बच्चों। अब सेकेंड प्रश्न क्या कर रहा है उसको हम देखते हैं, औचित्य मिल गया, आप 30 ही नहीं 45 60 90 जो भी रखना चाहो सब रख सकते हो प्यारे बच्चों। अब अगला क्या कर रहा, थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ साइन थीटा का भी मान में वृद्धि होता है, यानी कह रहा है प्यारे बच्चों कि थीटा जो है, एक बार आप 0 रखे, फिर 30 रखे, फिर 45 रखे, फिर 60 रखे, फिर 90 रखे, फिर 120 रखे,
तमाम प्रकार के एंगल रखे हैं। तो वो क्या करा कि जैसे जैसे थीटा बढ़ता जा रहा है, 0 से 30, 30 से 45, 45 से 60, 60 से 90, 90 से 120, वैसे वैसे साइन थीटा का भी वैल्यू बढ़ता जाता है। परंतु ये बात नहीं है प्यारे बच्चों, जब आप यहाँ आओगे तो यहाँ जीरो का मान साइन थी साइन जीरो अंश का मान जीरो होता है, इसका 1/2 होता है, इसका 1/√2 होता है। यहीं से 0 से 30 तक साइन की वैल्यू क्या होती, बढ़ती है, क्या होती है, यहाँ तक देखिए, फिर साइन 60 अंश का मान क्या हो जाता है, √3/2 हो जाता है, साइन 90 अंश का मान क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। देखिए परंतु ये देखिए 0 है, फिर ये आधा हुआ। अब आप ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, यहां से तो साइन 0 से लेके 30 तक साइन की वैल्यू बढ़ा थीटा के साथ, परंतु जैसे ही आप 45 गए तो यहां से साइन थीटा का मान कम हो गया। ये सब ये एंगल तो बढ़ा परंतु ये इससे कम है प्यारे बच्चों, ये इससे कम है। तो यानी कहने का मतलब है कि जैसे जैसे जीरो बढ़ता जाता है वैसे वैसे साइन थीटा का मान नहीं बढ़ता। 0 से 30 के अंतराल में थीटा का मान साइन थीटा बढ़ने पर साइन थीटा बढ़ता है, परंतु परंतु 30 से आगे जब क्रॉस करते हैं 45-60 जाते हैं तो वो वैल्यू वहां पर बढ़ना बंद कर देता है प्यारे बच्चों, ठीक, फिर 90 पे बढ़ जाता है। इसी प्रकार का प्रोसेस होता है। अर्थात जो दूसरा वाला कथन है, दूसरा वाला कथन भी क्या है, सत्य है, असत्य है, सॉरी, यह कथन क्या है, असत्य है, ठीक। ये रहा सेकंड नंबर। अब हम बात कर लें इसके थर्ड नंबर की। अब आपसे थर्ड नंबर क्या कह रहा प्यारे बच्चों, थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होता है, ये भी कथन असत्य है। क्योंकि प्यारे बच्चों जैसे ही कॉस जीरो रखोगे वो आपका कॉस जीरो अंश का ही मान 1 हो जाता है। अब जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे वैसे वैसे घटेगा, 1 से बड़ा तो होगा नहीं कॉस का मान। अब जैसे 0 1 हो गया तो 30 आपका क्या हो जाएगा, √3/2, जो कि 1 से छोटा ही होगा। तो प्यारे बच्चों इसीलिए कहा जाता है, इसीलिए कथन क्या असत्य है कि जीरो और थीटा बढ़ने के साथ ना तो साइन थीटा बढ़ता ना तो कॉस थीटा बढ़ता है बच्चों। तो यह भी कथन क्या है आपका, असत्य है, ठीक। अब हम बात करते हैं चौथे नंबर की। चौथा नंबर क्या कर रहा है, थीटा के सभी मानों पे साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, मतलब थीटा का जो सभी मान है, मतलब 0, 30, 60, 45, 90, 120, चाहे जो भी वैल्यू रखो साइन थीटा और कॉस थीटा बराबर है। क्या ऐसा होता है, नहीं प्यारे बच्चों, कभी भी नहीं होता। आप चाहे चेक कर लीजिए, करा साइन थीटा बराबर कॉस थीटा सभी मानों के लिए। मैं करता क्यों प्यारे बच्चों, इनको इधर कर दूं तो उधर साइन थीटा इधर आ जाएंगे तो बटे में कॉस थीटा हो जाएगा बराबर इधर 1। ये मिलके क्या होते हैं, ये टोटल टेन थीटा हो जाएंगे, क्योंकि साइन बटे कॉस क्या होता है, टेन होता है। और 1 को हमने लिख दिया टेन 45, टेन 45 अंश का मान 1 होता है, टेन से कैंसिल थीटा बराबर 45। वो बोल रहे थे थीटा के सभी मानों के लिए साइन और कॉस आपस में बराबर होते हैं, ऐसा नहीं है प्यारे बच्चों। केवल थीटा का एक मान ऐसा है जो कि साइन और कॉस आपस में बराबर होता है, वो है 45 अंश। तो ये भी कथन क्या है, असत्य है, यह कथन असत्य है। ठीक, अब लास्ट नंबर, इस प्रश्नावली का लास्ट सवाल कह रहा है a बराबर 0 डिग्री पे cot a परिभाषित नहीं है, a बराबर 0 डिग्री पर cot परिभाषित नहीं है। बिल्कुल प्यारे बच्चों ये जो कथन है सत्य है, क्यों जानते हैं, क्योंकि जो आप cot 0 cot a और cot a यानी cot 0, तो cot 0 अंश का मान इनफाइनाइट होता है, आपने टेबल में देखा होगा प्यारे बच्चों, इसलिए ये कथन ये परिभाषित नहीं, ये परिभाषित नहीं है। परिभाषित है a बराबर 0 पर cot a परिभाषित है या नहीं है, परिभाषित नहीं है प्यारे बच्चे, यहाँ परिभाषित नहीं है। तो ये बिल्कुल सही है, अर्थात लिख सकते हैं कि यह कथन सत्य है, यह कथन क्या है प्यारे बच्चे, सत्य है, ठीक। इसी सवाल के साथ आपका ये पूरी प्रश्नावली 8.2 कंप्लीट होता है प्यारे बच्चों। आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिएगा प्यारे बच्चों इस बार, ठीक प्यारे बच्चों। तो यदि आज की क्लास में कोई भी किसी भी प्रकार की डाउट रह गया होगा या कोई सवाल आपको नहीं समझ में आया होगा प्यारे बच्चों, तो कमेंट सेशन में कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो देखो, एंजॉय कीजिए प्यारे बच्चों। थैंक यू ऑल डियर स्टूडेंट, जय हिंद जय भारत।